हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि जो हम प्लानिंग करते हैं कितने अमाउंट के साथ हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, किस रेशियो में या फिर किस प्रोपोर्शन में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, उस हिसाब से आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे कुछ लर्निंग मिलेगी और आप वहाँ से कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेन मोटो हमारा है, रिस्क मैनेजमेंट विथ पोजीशन साइजिंग। तो आज हम देखेंगे कि इतना हमें रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से क्या पोजीशन बनती हुई दिख रही, किस साइज का हम पोजीशन ले सकते हैं, कैसे हमें ट्रेडिंग करना है उसको हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए ट्रेडर। तो आज आप वीडियो स्किप मत करिएगा, रेगुलर देखिएगा और आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अभी आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ भी मैंने इसका लिंक ऑलरेडी दे रखा है चैनल के पेज पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है हम अगर उस पर बात करते हैं तो हमारा है रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजिशन साइजिंग। जैसे हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है कि हम कैसे हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए, किस तरह का हमारा ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए कि जिससे हम रेगुलर वे से अर्निंग भी कर सकें और उसके लिए हमें मार्केट में बने रहना भी पड़ सके। तो अगर आप फील्ड में रहेंगे, एज ए क्रिकेट अगर हम समझने की बात करें, अगर फील्ड में अगर बने रहेंगे तो आपको एक दिन लॉस होगा, दूसरे दिन आपका प्रॉफिट भी होगा। इस वजह से मैं सबसे पहले आपके लिए बोलता हूँ कि आप अपना रिस्क डिसाइड कीजिए। रिस्क का मतलब होता है स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस पर ट्रेड, या फिर रिस्क यहाँ पे बोल सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए वो बेस्ट रहता है। तो जिस तरह से आप समझ में आएगा वैसा आप देख सकते हैं, रिस्क पर ट्रेड आपको अच्छा लग रहा है या फिर एसएल पर ट्रेड, जैसे भी आपको डिफाइन करना आप खुद को डिफाइन कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट और पोजिशन साइजिंग आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है, कितने कैपिटल के साथ आप काम कर रहे हैं। जस्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, 1 लाख कैपिटल है, तो ऐसा नहीं कि जो भी हम ट्रेड लेंगे पूरे 1 लाख कैपिटल के साथ में लेंगे। अब 1 लाख कैपिटल तो होगी हमारे पास, अगर हम ट्रेड लेना चाहें तो हमारा जो सिल्वर माइक्रो का पर लॉट रहता है वो हमारा 7 से 8 हज़ार का रहता है, तो यहाँ मुझे अच्छे खासे अमाउंट में ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा रिस्क भी उतना ही बड़ा हो जाता है। तो हमें अगर रेगुलर वे ट्रेडिंग करना है तो हमें डेली का रिस्क पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो जस्ट एग्जाम्पल, मैंने अगर मुझे 20 दिन ट्रेडिंग होती है तो 20 दिन के लिए अगर मेरा डेली लॉस होता है फिर भी मैं एटलीस्ट 1 महीने तक ट्रेड कर सकता हूँ, ऐसा सोच के हमें मिनिमम 2% का हमें स्टार्टिंग में रिस्क लेके चलना होता है। तो हमने 2% का रिस्क ले लिया, तो 2% का रिस्क लेने पे डेली में हमें कितना आया, हमारा 2000 का पर डे का हमारा लॉस हो गया। ठीक है, रिस्क हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कि हमें पर ट्रेड में कितना लॉस करना है। तो पर ट्रेड में फ्रेंड्स हमें स्टार्टिंग में 1% से ज़्यादा लॉस नहीं करना होता है। तो पर ट्रेड हमारा 1000 का आ गया रिस्क। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है कि हमने ये तो डिफाइन कर लिया कि 1000 का हमें लॉस करना, तो 1000 का लॉस क्या हमें एक ट्रेड में लेना है या फिर हमें 10 ट्रेड में लेना है, क्योंकि हमें अपना लॉस हमेशा 1000 ही रखना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी क्वांटिटी फिक्स करनी पड़ेगी। तो क्वांटिटी फिक्स करने के लिए एक फार्मूला है, अगर उसको आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें अपनी जो ट्रेड है उसको डिफाइन करना पड़ता है। ट्रेड को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले अपना जो हमने अपना फ्रेंड्स क्वांटिटी साइज हमें डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जो हमारा होता है कि हमारा जो रिस्क पर ट्रेड है वो डिफाइन होना चाहिए। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा रहता है एंट्री पॉइंट माइनस स्टॉप लॉस। जैसा कि हमने अपनी एनालिसिस की वीडियो में देखा कि हम एंट्री कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस करते हैं, जनरली 200 से 300 पॉइंट आता है, तो वो उसमें डिफाइन करने दीजिए। ये हमारा जनरल फार्मूला रहता है कि पर ट्रेड हमें जैसे 1000 का रिस्क है हमारा, हम इक्वल टू करते हैं 1000 का हमने पर ट्रेड रिस्क फिक्स कर लिया। अब उसके बाद में एंट्री जैसे हमें 200 पॉइंट की मिल रही है, एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, मतलब 200 पॉइंट का वहाँ पे एसएल हमारा बन रहा है, तो यहाँ पे 200 पॉइंट हम लगा लेंगे, तो जो हमारा निकल के आएगा 5 क्वांटिटी के साथ हमें यहाँ ट्रेडिंग करना है। तो इन केस अगर आपको 5 क्वांटिटी में ट्रेडिंग करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, स्टॉप लॉस बढ़ जाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस जैसे हमारा 300 पॉइंट का हो गया, 300 पॉइंट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमें 3 ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है, मतलब 3 क्वांटिटी के साथ में ट्रेडिंग करना है, आप 3 से 4 कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं कि आपको जो लॉस है वो फिक्स हो गया, अब हमारा जो टारगेट है वो भी हमें फिक्स करना होगा। तो किस तरह से हम उसको टारगेट को फिक्स करते हैं वो हम देखते हैं। पोजिशन साइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको थोड़ा सा टाइम लगे समझने, समझिए फिर देखिए। क्वांटिटी के बेस पे ही हम नेक्स्ट अपना डिफाइन करते हैं
पोजीशन साइजिंग जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि आपका पोजीशन साइजिंग क्लियर हो गया तो आपको प्रॉफिट भी होने लगता है। इसके बाद में फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं पोजीशन साइजिंग लॉट हमारा सारी चीज़ क्लियर हो गई है। इसके बाद अगर देखते हैं जैसे हमारे वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर की तरफ देखते हैं जो हमारा कैपिटल है। जैसे हमने लिया कि 1 लाख की हमारी कैपिटल है, 1 लाख से अमाउंट से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो हमारा बिगनर है, बिगनर के लिए हमें सबसे पहले जो पर ट्रेड आपको डिफाइन करना चाहिए, आपका डेली का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए मैक्सिमम 2% है, आप उससे ज़्यादा मत लीजिए। लेकिन स्टार्टिंग में बिगनर के लिए 1% बेस्ट होता है। उसके बाद में अगर आप थोड़े से इंटरमीडिएट हो, कुछ दिन ट्रेडिंग कर ली है, तो आप उसमें 1.5% में जाइए। उसके बाद में आपको नॉलेज होगी, आपका सपोर्ट डिस्टेंस बहुत परफेक्टली वर्क करता है, जो भी आपकी ट्रेडिंग सेटअप है स्ट्रेटजी वर्क करती है, तो हम इस वहाँ पे फिर 2% के हिसाब से ट्रेडिंग करने लगते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगर हमारा रिस्क एंड रिवार्ड 1.5:1 है, मतलब हम 1% पे 10 रुपये पे SL लेते हैं और 15 रुपये हमारा टारगेट रहता है। इस हिसाब से हम जनरल समझने की कोशिश करते हैं। तो रिस्क हमारा 1% फिक्स है, रिवार्ड हमारा 1.5% है। तो अगर हम 50-50 रेशियो पे भी काम करते हैं और महीने के हमने 10 ट्रेड लिए, 10 हमारे पॉजिटिव हुए, 10 हमारे नेगेटिव हुए, जो लोग बड़ा लॉस करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने 10 ट्रेड लिया है अगर उनकी हम बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे रिस्क हमारा 1% है, तो 1% के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो SL हमारा बन रहा है 10,000 का बन रहा है, और हमारा जो टारगेट है वो अगर हिट होता है तो हमें 1.5% का है यहाँ पे है, तो 1.5% के हिसाब से 15,000 हमारा टारगेट हो गया। मतलब 15,000 मंथली हम यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में हम 10,000 लॉस भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो हमारा लगभग हो गया है 5,000 का, मतलब 5%। 1 लाख में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ 5% आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा विन रेशियो जो है विनिंग रेशियो का 60% हो जाता है, 60-40 का होता है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो हमारा टारगेट होगा, जो हमारे हिट रेशियो होंगे वो 12 हो जाएंगे, और उसके कंपैरिजन में जो हमारा SL होगा वो 8 हो जाएगा। तो उसके बेस में अगर आप देखोगे, सबसे पहले जो हमारा टारगेट निकल के आएगा फ्रेंड्स, हमारा 1.5% का टारगेट है, तो 1.5% के टारगेट के हिसाब से हमारा हो गया 18,000 का प्रॉफिट हो गया, अभी हमारे लॉस नहीं है। तो इसके बाद में अगर हम लॉस की बात करते हैं, लॉस को अगर हमने फिक्स कर दिया कि हमारा 1% का लॉस है, तो 8,000 का हमारा लॉस हो गया। तो 1.5% अगर हम पर ट्रेड डेली का अगर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हमारे महीने के लास्ट में लगभग 10% हमारा ROI आने लगा है। 5% से सीधा बढ़ के 10% हो गया है, और जो कि बहुत ही बेस्ट है। अगर यहीं पे अगर आप देखते हैं 1:1 का भी ट्रेडिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेंगे, अगर आपका 50% विनिंग रेशियो है, और इन केस आपका 60% हो जाता है, तो आप यहाँ भी 4% का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ सबसे पहले आप अपना जो फर्स्ट टारगेट होता है उसको बुक कर लीजिए, उसके बाद SL को ट्रेल करके कॉस्ट प्राइस पे ले आइए, जिससे आपको रिवार्ड भी मिल सके और आपका लॉस कम से कम हो सके। तो ये फ्रेंड्स हो गया हमारा जो हम लॉसेस करते हैं उसको कम करने का तरीका। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं कि हमारा 50% हो गया, 60% हो गया, उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्लब में, जो कि हमारा है 70% अगर हमारा रेशियो है। अगर हम उस केस में भी देखते हैं तो हमारा क्या टारगेट निकल के आएगा, किस तरह से हमारे विनिंग रेशियो, हम उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा विन रेशियो हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 14 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में रहेंगे, 6 ट्रेड हमारे लॉस में रहेंगे। अब उस बेस में हमारा जो 1% का हमारा SL रहता है और 1.5% का हमारा टारगेट रहता है, तो सबसे पहले हमारा 1.5% का टारगेट है, तो हमारा 21,000 का टारगेट हो गया हमारा। अगर यहीं हमारा SL की बात करते हैं, तो रिस्क जो हमने लिया है 1% का लिया है, रिस्क हमारा 6,000 का हो गया। तो ओवरऑल हमने जो देखा 15,000 का प्रॉफिट है, जो 15,000 का प्रॉफिट है अगर PNL के टर्म्स में अगर आप बात करते हैं, तो ये लगभग 5% का हो गया है। मंथली 5,000 डिवाइड बाई 1 लाख, तो यहाँ आप देख रहे हो लगभग जो यहाँ पे हमारा टारगेट निकल के आया है, अगर उसकी आप बात करते हैं, 5% का हमारा यहाँ पे रिटर्न निकल के आता हुआ दिख रहा है। तो 5% ROI बुरी नहीं होती है फ्रेंड्स, यहाँ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न करने के साथ साथ अर्निंग भी होती रहती है। तो इसके लिए आपको यहाँ 10% आपका होगा, अगर 70% आपका ROI होगा तो आपका 15% हो गया। ये हो गया 1:1.5 रिस्क एंड रिवार्ड के लिए। अगर यहीं पर हम नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा अपना रिस्क और रिवार्ड अपना बढ़ाते हैं, तो अगर हम 20 ट्रेड अभी भी ले रहे हैं उसके साथ में,
अगर हम 2% का हमारा आरओआई हो जाता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम देखते हैं। रिस्क हमारा अभी 1% है, रिवार्ड हमारा 2% का हो गया है। तो रिस्क और रिवार्ड के विषय में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम 50% विन रेशियो की बात कर लेते हैं। तो 10 टारगेट अभी हमारे बने हुए हैं। 10 टारगेट के बेस में अगर आप देखते हैं, जो फर्स्ट हमारा यहाँ पे रेशियो निकल के आया है वो हमारा 2% का है, और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है लगभग ये देख रहे हैं यहाँ पे 10% का आपका पीएनएल हो गया है। और इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट अगर देखते हैं, उसमें अगर आपका रेशियो का 60% हो जाता है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपको प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बढ़ते हुए नज़र आते हैं। विन रेशियो आपके जो हैं यहाँ पे लगभग बढ़ जाते हैं, और वो हैं लगभग आपके 12 ट्रेड फेवर में आएंगे और उसमें 8 ट्रेड आपके अपोजिट में भी जाने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले टारगेट हमारा फिक्स हो गया 2% का, ओके। नेक्स्ट हमारा हो गया स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारा फिक्स है ऑलरेडी 1% का, तो 1% स्टॉप लॉस हमने ले लिया। 8000 का हमारा स्टॉप लॉस है, जो मंथली रिटर्न हमारा हो गया 10% से बढ़ के 16% हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपको रेगुलर बेस से यहाँ पे अर्निंग समझ में आती है। इस तरह से अगर आप अपनी जो पूरे अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर आप ब्लाइंड होके ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ आपको लॉस होने के चांसेस हो गया। अगर हम मंथली 5% का भी आरओआई निकालते हैं तो बहुत ही अच्छा है। उसके बेस से अगर आप देखते हो तो आपका एक साल में ही आपकी अमाउंट लगभग डबल होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी आपका क्या होता है 5% से 10% का भी मिलेगा और कभी नहीं भी मिलेगा, तो दोनों रहता है। लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट विथ पोजिशन साइजिंग जैसा अभी हमने देखा और सीखा, इस हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली ट्रेड में बने रहेंगे और आप वन डे एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी अभी आज की एनालिसिस थी। इस बेस से अपना रिस्क डिफाइन करिए, अपना रिवार्ड डिफाइन करिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको और बेहतरीन लर्निंग सीखना है तो मैं आपके लिए एक और अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।